उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत की संभावना नहीं है। ठिठुरन भरी सर्द का ये सिलसिला इस पूरे हफ्ते जारी रहने का अनुमान है। उसके बाद कुछ राहत महसूस होगी। राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान महज 3 से 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली NCR गुरुवार को एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा। गुरुवार सुबह दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में कोहरे से दृश्यता घटकर कुछ मीटर ही रह गई। दिल्ली में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया है। इसके साथ अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है। इसीलिए शीतलहर की स्थिति वापस आ सकती है। मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं से पारा और नीचे गिर सकता है। पहाड़ों से होकर आ रही बर्फीली हवा के कारण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके गलन और ठिठुरन भरी सर्दी की चपेट में हैं और इस पूरे हफ्ते राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में हाल में हुई बर्फबारी के बाद वहां से होकर आ रही बर्फीली हवा की वजह से मैदानी इलाकों में गलन भरी सर्दी पड़ रही है। बर्फीली हवा के अलावा कोहरे और धुंध के कारण खिली धूप नहीं निकलने की वजह से भी गलन से राहत नहीं मिल रही। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर चलने का अनुमान है। राज्य में मौसम आम तौर पर सूखा रहेगा। दिल्ली NCR की हवा बृहस्पतिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार रही। आगामी दो दिन तक दिल्ली NCR वासियों को बहुत खराब हवा से हल्की राहत मिलने के आसार हैं। इसके बाद 31 जनवरी को एक बार फिर हवा की स्थिति बिगड़ सकती है। CPCB की माने तो बृहस्पतिवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया। सफर की माने तो मौसमी परिस्थितियों में बदलाव की वजह से इन दोनों प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।